ओखोत्स्क सागर, यही वो जगह है जहां पुतिन की सेना बड़े संग्राम की तैयारी कर रही है। आपको बताते हैं कि आखिर ये कहां है और क्यों रूसी सेना की वॉर ड्रिल को असल वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। आप मैप में समझ सकते हैं कि ओखोत्स्क सागर प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, मतलब जापान से ज्यादा दूर नहीं है। इसके पूर्व में कमचात्का प्रायद्वीप है, दक्षिण पूर्व में कुरील द्वीप समूह है। सबसे बड़ी बात, इसके दक्षिण में जापान का होक्काइडो द्वीप है। रूस का मशहूर सखालिन द्वीप भी इसके पश्चिम में स्थित है। आपको बता दें कि यह पश्चिमोत्तर में साइबेरिया के तटीय इलाके से घिरा हुआ है। इसका नाम रूस के ओखोत्स्क शहर पर पड़ा है, जो सुदूर पूर्व में रूस का पहला कस्बा था। तो दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ, खासकर जिन देशों में तनाव चल रहा है, युद्ध की सुगबुगाहट है, इनके साथ ओखोत्स्क सागर की स्थिति को भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको मैप के जरिए बताते हैं कि ओखोत्स्क सागर किस देश से करीब है। कुछ ऐसी ही ओखोत्स्क सागर की स्थिति है जो आप देख रहे हैं। जापान से इसकी दूरी करीब 2045 किलोमीटर बताई जा रही है, जहां कल अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं चीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सारे देशों की पोजिशन ओखोत्स्क सागर में कहां कहां है, यह आप दिखाई दे रहा होगा आपको किस तरीके से। जिस तरह से पूरी दुनिया में जंगी माहौल है, रूस और चीन की सेना समंदर में अपनी ताकत दिखा रही है, ये कहीं ना कहीं तनाव बढ़ाते हुए नजर आती है। दरअसल रूस के पास मौका था अपनी ताकत दिखाने का, यह बात अलग है कि बाइडेन के जाने की टाइमिंग को लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि रूस पैसिफिक फ्लीट की 291वीं जो एनिवर्सरी है वो मना रहा है, और रूस की पैसिफिक फ्लीट जंगी काफिले की तरह है, जिसमें 70 शिप होती हैं। इसके अलावा ये फ्लीट मॉडर्न एंटी सबमरीन शिप से लैस होती है, लेटेस्ट तकनीक के साथ ये तबाही मचाती है। लैंडिंग शिप भी पैसिफिक फ्लीट में ही होती है। इसके अलावा लार्ज इसमें लैंडिंग शिप है, यही नहीं सबमरीन क्रूजर्स में बड़ी सबमरीन की तरह ही ये दिखाई देती है और होती है, दिखाई नहीं देती, होती भी है। मिसाइल क्रूजर भी सबमरीन की तरह हैं, जो मल्टी रोल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। घातक हथियारों से ये भी लैस होते हैं। इसके अलावा माइन स्वीपर्स भी लैस होती हैं। माइन स्वीपर्स एक मिनी वॉरशिप की तरह होते हैं, जिसका काम समंदर में माइंस को निष्क्रिय करना होता है। जंग के समय ये काफी कारगर साबित होते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।